ये इन्होंने पढ़ा है, दो है, एक तो फिलॉसफी और पब्लिक एट आपने पढ़ी है ना, तो जो 13 साइंसेस दी गई हैं एनसीटी के द्वारा सोशल स्टडी के लिए, फिलॉसफी और पब्लिक एट उसमें है, ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है। इट मींस आप एसएसटी ले सकते हो, आपका बनता है। दूसरा, आप क्योंकि आप पंजाबी इलेक्टिव पंजाबी पढ़ी हुई है आपने। तीसरा, आपने एमए पंजाबी की हुई है, हर हालत में माइनर आपको पंजाबी ही लेना चाहिए, एसएससी पंजाबी आपका कॉम्बिनेशन बन रहा है। लेकिन आपको क्वेश्चन पूछने का फायदा क्या होगा कि एसएससी करके आप गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की कंडीशन है जो 4 सोशल साइंसेज हैं स्कूल में लगी हुई, उनमें से एक सब्जेक्ट पढ़ा हुआ होना चाहिए, वो ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये हैं। आप उनमें से नहीं पढ़ा, इसलिए आपको एक करना पड़ेगा उनमें से। ज्योग्राफी प्रैक्टिकल एडिशनल नहीं होता, इकोनॉमिक्स शायद डिफिकल्ट लगे आपको, पोलिटिकल साइंस एंड हिस्ट्री बन रहा है। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सीबीएसई में आपको एलिजिबल करेगा, दैट इज़ वाई चूज इफ यू वॉन्ट टू डू एडिशनल पेपर इन ग्रेजुएशन देन मस्ट चूज हिस्ट्री। ओके, तो बी एड करते करते साथ में ही, अब अगर पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में है, पंजाब का मुझे अभी क्लियर नहीं है, तो अगर वो अलाउ करते हैं तो आप बीए के हिस्ट्री के एग्जाम साथ में दो, कि आप हिस्ट्री एसएसटी के लिए एलिजिबल हो जाओ। थैंक यू।